मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, प्रॉफिट तो सारे लोग करते हैं, आपने भी कभी ना कभी प्रॉफिट किया होगा, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में हैं। ठीक है, प्रॉफिट करना से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर प्रॉफिट करना। तो फाइनली मैंने ट्रेड लिया है, मैंने 35 हज़ार का कॉलेज बेचा गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को क्या प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 2 हज़ार का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो जैसा होता है मैं आपको लास्ट में सब कुछ शेयर करता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को समथिंग 13 हज़ार का उसका प्रॉफिट, अभी 11 12 हज़ार का उसका प्रॉफिट चल रहा है। देखिए, अगर ये आज का लो ब्रेक करता है ना तो नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। तो अभी तो हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, तो पहले नीचे जाने देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैं एक और कॉल सेलिंग की एंट्री लेने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वाले में मैंने 7 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो अभी मैं एक बार ऑर्डर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करता रहूँगा। तो इस बार मैं 35,300 का कॉल बेचूंगा। कितने लॉट में बेचूंगा गाइस? 20 लॉट में, और एक दूर हेज भी करूंगा ताकि जो मेरा मार्जिन है वो कम से कम लगे। तो ट्रेड लेने के बाद मैं आपको सब कुछ शेयर करता हूँ। तो फाइनली मैंने ट्रेड ले लिया है और उसमें मेरे को अभी लॉस चल रहा है, बट थोड़ी देर पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को अभी इसमें 2 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, ओवरऑल 9 हज़ार का प्रॉफिट में हूँ मैं। और फाइनली मेरे को 22 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 21 हज़ार रुपये का। तो अभी वेट करते हैं एंड जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मार्केट जितने नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ता हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि 40,000 41,000 के आसपास का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही है और मेरे को प्रॉफिट 50 हज़ार का चल रहा है। अभी मेरे को 51 50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और बैंक निफ्टी स्टील अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो देखिए, आज है एक्सपायरी डे और हमने किया क्या है आप वो देखिए, 35,300 का कॉल बेच रखा है। यानी कि 35,300 कौन सा है, 35,300 का कॉल बेच रखा है। अगर इस लाइन के नीचे मार्केट एक्सपायर होता है ना, जो ब्लू लाइन है, तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट होगा। अभी देखिए 64,000 का प्रॉफिट चला है। देखिए आज मैं ना, आज एक्सपायरी डे है और आज मैं काफ़ी सेफ खेल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मेरे को प्रॉफिट बड़ा होता है। देखिए, प्रॉफिट बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है और सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले नंबर पर आती है। तो इसके वजह से मैं एकदम काफ़ी सेफ प्ले कर रहा हूँ और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, 64,000 का प्रॉफिट है। तो मैं इसे एग्जिट करने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। अभी देखो मार्केट चल कहाँ पर, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी मार्केट चल रहा है 34,900 के आसपास। अब मार्केट यहाँ पर एक्सपायर हो जाए, थोड़ा सा ऊपर होकर एक्सपायर हो जाए, इस ब्लू लाइन के नीचे कहीं भी एक्सपायर होगा तो मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, अब आप समझ जाओ कि ये जो 52 51 का प्रीमियम चल रहा है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब मान लो कि मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास का और प्रॉफिट होगा। तो मैं जीरो होने का तो एकदम वेट करता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा और जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। क्योंकि अब मैं मार्केट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि 35,300 के नीचे ही एक्सपायर होगा। फाइनली 66,000 का इसका प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं 70,000 का इसका प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ है। देखिए, अब जो ये 40 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है ना, ये टाइम की वैल्यू है। क्योंकि अभी मार्केट में बच कितने रहे हैं, अभी मार्केट में लगभग 1 बज रहे हैं, तो 2 घंटे में ये 40 रुपये वाला प्रीमियम जीरो की तरफ चला जाएगा अगर मार्केट यहाँ पर भी रहेगा या इस ब्लू लाइन के नीचे भी रहेगा तो भी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और एक सुटेबल टाइम देखकर एग्जिट करूँगा। फाइनली 85,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें देखिए कुछ बचा नहीं है। 166 का सेल किया था, 9-10 रुपये का आसपास चल रहा है, कोई मतलब नहीं है वेट करने का, इसे सिंपली करेंगे यहाँ से स्क्वायर ऑफ। तो फाइनली आज हमने 84,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। जो मैंने पहले वाले कॉल सेल किया था, मतलब जो 35 हज़ार का कॉल सेल किया था, जो मॉर्निंग में सबसे पहला ट्रेड लिया था, उसमें तकरीबन मेरे को 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 1200 इसमें का लॉस हो गया था हेजिंग वाला जो मैंने बाय किया था। तो ओवरऑल मेरे को 7,000 रुपये का प्रॉफिट मॉर्निंग में था। और जो जो मैंने दोबारा सेल किया, जो मैंने 35,300 का कॉल सेल किया है, तो उसमें 78,000 का प्रॉफिट आज हमने बुक किया है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज फाइनली 84,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो मैं अब आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं कल अवेलेबल नहीं था, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी बता दिया था कल ही कि मैं कल कल कोई वीडियो नहीं आएगी।
काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि कल का ट्रेडिंग वीडियो कहाँ है, तो वह आप देख लो। हमने 12:19 रात को ही बता दिया था कि वीडियो नहीं आएगी वेडनेसडे के दिन। तो अगर आप लोग भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना, कुछ फेक चैनल भी बन चुके हैं मेरे नाम से, बिंग ट्रेडर के नाम से। तो मेरे जो ऑफिशियल, मेरा जो ओरिजिनल चैनल है, मैं एक ही चैनल चलाता हूँ टेलीग्राम पर, वो बिंग ट्रेडर है, और जिसमें लगभग 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। वही टेलीग्राम का चैनल मेरा ओरिजिनल है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे चैनल फेक है। तो अगर आप किसी को ज्वाइन हो तो आप उसे एग्जिट कर दो और इसको ज्वाइन कर लो। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है जिसको मैं सारे लोग को रिप्लाई करता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर सोर्स से आपको रिप्लाई आता है, कुछ आता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। तो अब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेड को अपने। देखिए, मार्केट आज कैसा था वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट आज क्या हुआ है, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से सीधे यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। आपने जैसा कि देखा भी होगा, और कहीं ना कहीं ये जो एरिया था ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था मार्केट में। देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कैसे रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि ये 35,000 के आसपास का लेवल था। जब प्राइस ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में। जैसा कि आप मेरे पिछले वाले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बहुत बारी सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसके बाद फाइनली मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार था, तो हमने एंट्री ली थी। लेकिन एंट्री को मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया, माइनर प्रॉफिट हुआ मेरे को, तकरीबन 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल कर रखा था इसलिए प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज मेरे को लॉस भी हो सकता था, क्योंकि कोई खास मूवमेंट नहीं था मेरे अगेंस्ट ही। हालांकि मार्केट जा चुका था, फिर भी मेरे को ऑप्शन सेलिंग मैंने किया था। तो आप जानते हो कि थीटा डी के स्टार्टिंग में भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, और बैंक निफ्टी में तो वैसे भी मिलता है। तो ये देखो, हमने एग्जिट क्यों किया, पहला वाला ट्रेड जो मॉर्निंग मिला था उसका मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मेरे प्रॉफिट से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे आपको मतलब है। मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया, ये क्या बनाया, ये बनाया अपना हायर हाई, ठीक है। ये क्या बनाया, ये बनाया आपका हायर हाई। फिर मार्केट ऊपर से बाद नीचे की ओर आया, ये बनाया आपका लोअर हाई। फिर देखिए, फिर क्या हुआ, मार्केट ने अपना हायर हाई को भी ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कैसे, देखिए जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, देखिए अब ये लोअर हाई या हायर हाई, फिर लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई था, तो मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए था थोड़ा सा। ये हायर हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये हायर हाई अगर ब्रेक हो गया तो समझ जाओ कि आपकी डाउन साइड की एंट्री ख़राब हो गई है। तो उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद ये नीचे गया। अगर नीचे जाना होता तो ये अपना एक और दूसरा नया लोअर हाई बनाता, फिर देन थोड़ा सा रिटेस्ट करता और पुल बैक लेता, फिर ऐसे जाता। तो इस तरह से वो लोअर हाई बनाता जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट पहले तो हायर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर देन उसके बाद क्या किया, अपना हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो मतलब आप गलत हो चुके हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने माइनर प्रॉफिट बुक किया 7,000 रुपीज़ का। तो इसके अलावा हमने फिर से कॉल बेचा, कौन सा, 35,300 का। टाइमिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप टाइमिंग देख सकते हो। 35,300 का कॉल बेचा, 500 क्वांटिटी यानी कि 20 लॉट में, 166.96 के प्राइस पर। टाइमिंग देख सकते हो, 10:32 पर हमने कॉल को सेल किया। अब 10:32 हो कहाँ रहा है वो देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो 10:32 किधर हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये 10:20 का कैंडल, ये 10:25, ये 10:30, ये है कैंडल, ठीक है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ये वाली कैंडल आपकी है 10:32 कैंडल। मैं यहाँ से अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा दूँ, मैं 1 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ। अब देखो 10:32 कैंडल कौन सी है, 10:32 कैंडल आपकी ये वाली कैंडल 10:32 कैंडल है, ठीक है, ये 10:32 की कैंडल है। अब यहाँ से मैं लगाता हूँ अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो। शॉर्ट पोजिशन हमने शॉर्ट किया था, ये है, और हाई कहाँ लगाया, हाई इसने अपना ये लेवल लगाया है, और लो कहाँ लगाया, लो तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ लो कितना लगाया है। आप देख सकते हो लो कितना लगाया मार्केट ने, मैं इसे बड़े टाइम पे मैं कर लेता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। लो की मैं बात करूँ तो मैं इसे लो लगाता हूँ, इसका लो इसने यहाँ तक लगाया है, ठीक है। तो तकरीबन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो आपके सामने है रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आया है। रिस्क रिवार्ड रेशियो
ऑलमोस्ट 1:12 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आया है। तो गाइज हमने एकदम कहीं ना कहीं हम टॉप के आसपास कॉल को सेल किया था। क्यों कैसे सेल किया था? क्योंकि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी था। जितने भी लोगों ने मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रखा है उनको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी, और आई मुझे लगता भी है कि वो आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे, क्योंकि एकदम परफेक्ट एंट्री थी उनके उनके लिए भी काफ़ी इजी था इसको कैच करना। तो कैसे मैं टॉप पर सेल कर देता हूँ, देखिए गाइस ये सारी चीज़ें कोई दो से चार मिनट की चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको तुरंत मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान बताऊंगा तो उस पर अगर आप ट्रेड करोगे तो उससे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कुछ ब्रोकर का, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें एक दो ट्रेड ले लेना है आप। उसके बाद अपना नाम और मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट जिस नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया था मुझे व्हाट्सअप करना, उसके बाद आपको कोर्स मिल सकता है। और एंजल में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो इसकी खास बात यह है कि आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस हेज कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा दूर, जैसे कि मैंने आज भी काफ़ी ज़्यादा दूर हेज किया, लगभग मेरे 50,000 के आसपास आज एक लॉट में मार्जिन लगे थे। मार्जिन के रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे, उसे भी आप देख सकते हो। तो गाइस कुछ लोगों को मैं फीडबैक दिखाना चाहूँगा आप लोगों के साथ। देखिए मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए प्रॉफिट तो सारे लोग करते हैं, आपने भी कभी ना कभी प्रॉफिट किया होगा, लेकिन ओवरऑल आप लॉस में हैं, ठीक है। प्रॉफिट करना से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर प्रॉफिट करना, आपको लगातार प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं कुछ अपने ऐसे स्टूडेंट को शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं। इनको आज देखिए, इनको आज हुआ है 10,000 समथिंग का प्रॉफिट, इसके पीछे इनको हुआ था 8,000 रुपये का प्रॉफिट, ये कल का प्रॉफिट है, और ये 8 तारीख का प्रॉफिट है 4,000 रुपये का, और ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं। इस तरह से ये लोग रेगुलर प्रॉफिट भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखो ये आज का प्रॉफिट है 61,000 का, और उसके बाद आप देख सकते हो इसके बाद 85 रुपीज़ का प्रॉफिट, इसके बाद बताए। और ये देखो अतुल जी, क्या वजह है? आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। सर मेरी कोई कृपा उरपा नहीं है, 19,000 रुपये का प्रॉफिट इन्होंने आज किया है, इसके पीछे ही प्रॉफिट किया था आपने। आप लोग प्लीज़ रेगुलर ट्रेड शेयर करना। और आप देखो ये इनके पिछले दिन का प्रॉफिट था 13,000 रुपये का समथिंग का, और उसके बाद देखो 17,000 रुपये का प्रॉफिट, 4,700 रुपये का प्रॉफिट। इस तरह से इन लोगों ने रेगुलरली प्रॉफिट किया है, ये काफ़ी मुझे देखकर अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि मेरे बताए हुए चीज़ें आपको समझ में आई और उस पर आपने काम करके प्रॉफिट भी अर्न किया। और इसके बाद देखो कुछ लोगों ने और प्रॉफिट किया है, इन्होंने 2,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, रिजल्ट ऑफ योर कोर्स, थैंक्स सर, थैंक यू जी। और पिछले दिन उन्होंने 1,300 रुपये का प्रॉफिट किया था। ऐसे ही लोग रोज रेगुलरली प्रॉफिट कर रहे हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं, माई फर्स्ट प्रॉफिट, पहले लॉस किया फिर प्रॉफिट, बाद में जब बड़ी रैली आई तो किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, फीलिंग सेट कि कम से कम 10K तो मिल नहीं रहते। कोई दिक्कत नहीं है जी, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, मैं आपको सभी लोग बता देता हूँ। आप 1 रुपये का भी प्रॉफिट करो तो भी हैप्पी रहो, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। इन्होंने 4,700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने 3,900 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। इन्होंने देखो क्या लिखा है, इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का सर प्रॉफिट हुआ। सर जी थैंक्स ए लॉट, आपके कोर्स के बाद कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, ठीक है जी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग अच्छा प्रॉफिट करोगे आई होप। और इसके बाद इन्होंने पिछले दिन भी प्रॉफिट किया था और इसके पीछे भी प्रॉफिट किया था। ये लोग रेगुलरली प्रॉफिट कर रहे हैं, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 3,000 का आज का प्रॉफिट इन्होंने किया है, और इन्होंने क्या किया है, आई मेड प्रॉफिट ऑफ 3.9K बाई यूजिंग योर ऑप्शन सेलिंग मेथड, ठीक है जी, आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट करते रहिए। ये देखो इन्होंने क्या भेजा, परफेक्ट एंट्री ले पाया था बट होल्ड नहीं कर पाया ड्यू टू वर्क, ऑल थैंक्स टू यू। इन्होंने क्या भेजा है, अच्छा इन्होंने भी देखो, इन्होंने भी जो मैंने ट्रेड लिया था वही लिया है, 35,300 का कॉल सेल किया है, 186 के प्रीमियम पर एकदम टॉप पर सेल किया इन्होंने। गाइस तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि आप लोग परफेक्ट एंट्री नहीं ले पाओगे, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ वही चीज़ें मैं कोर्स में फॉलो करता हूँ। और इसका ये जीता जाता नमूना है जिसमें इन्होंने 186 पर 35,300 का कॉल बेचा है। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारे, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे स्क्रीन शॉट वगैरह आए हैं, सबको मैं दिखाने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों का, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ क्वेश्चन
मेरे हिसाब से मार्जिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बनना है। तो मार्जिन पर मैं बता दे रहा हूँ कौन सी वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो के मैं लास्ट में भी उसका लिंक भी दे दूंगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी वीडियो आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको मार्जिन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्शन सेलिंग इन 2022, ये वाली वीडियो देख लेना आप। इसके बाद आपको मार्जिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और प्लेलिस्ट में आप देख लो, मैंने कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं, जैसा कि ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स। जो लोग ऑप्शन के फील्ड में एकदम नए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से एकदम मैंने जीरो से सारी चीज़ों को बताया है आपके साथ। वैसे और भी काफ़ी प्लेलिस्ट है, जैसे ऑप्शन हेजिंग हो गया, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, मेरा ओरिजिनल चैनल, जिसमें 5,000 के आसपास अभी सब्सक्राइबर हैं, जिस पर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। एंड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बहुत ही जल्द बीइंग ट्रेडर का एप्लीकेशन भी आने वाला है प्ले स्टोर पर, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए।